इलायची केला खाने से क्या अपना केला इलायची नहीं रहती उसका भाई आ गया ट्राई करना ये हमारा हो गया है चुप रहे कैची इसका गला फटा हुआ है चलो चलो तुम्हारा चेकआउट का टाइम हो चुका है जल्दी से रिमेनिंग पेमेंट कर दो और चलते बनो हमारा नेक्स्ट कस्टमर वेटिंग कर रहा है। हेलो गाइस वेलकम बैक टू डे 3 इन हम्पी। सो ये जगह पर हम स्टे कर रहे हैं हम्पी में। अरे सुना नहीं भैया जी मैंने आपसे क्या कहा रिमेनिंग पेमेंट कर दो और रूम खाली करो मेरा कस्टमर वेट कर रहा है और आप ब्लॉग बनाते बैठे हो। मुझे तो लगता है ये भाई साहब स्पाइकी स्पॉट का धंधा डाउन करने आए हैं पता नहीं ये मंजू मैनेजर कहाँ चला गया। सो कल एक्चुअली जैसा सीन हो गया था परसों ड्राइव करते हुए नंबर प्लेट और डॉग की वजह से ब्रेक हो गया था तो उसको बनाने में ही कल हमें लगभग 1:30-1:30 बजे फिर हमने लंच वगैरह करके हम्पी का विट्ठल मंदिर गए जहाँ पर चैरियट है और वहीं पर हमें 5:00 तक क्योंकि उस टेंपल में लगभग 2-3 घंटा तो लगता ही है पूरा एक्सप्लोर करने के लिए। वहाँ पर जो 4 मंडप है सेंटर में चैरियट है डिज़ाइन वो सब शूट करने में एक्सप्लोर करने में वहाँ 2-3 घंटे तो जाते ही थे तो वो एक्सप्लोर करने के बाद हमारा कुछ बाद में चारकोल राइड जो रहता है उधर जाने का प्लान था लेकिन एक सेकंड चारकोल राइड जो रहता है अरे कहना क्या चाहते हो लेकिन जो एक्चुअल वो राइड है वो कहीं किसी और जगह है थोड़ा दूर थी तो वहाँ नजदीक वाली जो थी वो हमें इतनी पसंद नहीं आई तो फिर वहाँ से निकल आए बस अभी स्टे किया। अभी जो रिमेनिंग प्लेसेस रहे हैं जैसे टेंपल्स वगैरह तो वो कवर आउट कर लेंगे आज। इस जगह पे हमने स्टे किया है इसका थोड़ा एक शॉर्ट टूर मैं आपको देता हूँ। जैसा कि पहले हम स्पाइकी में रहे और उन्होंने ये दूसरी जगह हमारा अरेंजमेंट किया और उसके सामने देखो कितनी मस्त हरियाली ग्रीनरी है। क्या किसको तो चलिए अभी हम निकलते हैं यहाँ से करते हैं बाकी की जर्नी एक्सप्लोर। बोलो तुम्हारा स्पाइकी का बोलो क्या है। थैंक यू सो मच और एक बार विजिट करो सर प्लीज सजेस्ट करो हां अगली बार ऐसा मत करो सजेशन देने को कहते देओ सर प्लीज ओके उनका थैंक यू सर ओके। तो ये स्पाइकी स्पॉट है कर्नाटक में अगर आप हम्पी आते हो तो अच्छा लोकेशन है एकदम चिल आउट ओके इसे क्या कहते हैं इलायची केला अरे वो वीडियो कर रहा था ये कैची को ना इधर के अम्मा को अम्मा को बोलना वेक अप टुडेस गोना बी अ गुड डे वेक अप टुडेस गोना बी अ गुड डे वेक अप टुडेस गोना बी अ गुड डे वेक अप चला तू बॉम्बे हमसे मिलना है हमसे खिलाना है एलिया ना हाँ एलिया
इतना मैं कैसे खाऊ रे? मेरा नहीं होगा रे, इन सब खा रे। Never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe I'll... ये वसुंधरा कहाँ चली गई? हे भगवान, मेरे आम खा गई। मैं आ रही हूँ। क्या? वीडियो लेने का। मैं ड्राइव करूँ। नहीं कर रही है। ये पूरा ले लेटा, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। अंदर टेंपल नहीं दे आगे। अरे सेम ही स्ट्रक्चर है यार सारे टेंपल के। इंजीनियर एक ही लगाया था शायद। अरे क्यूरेटर सेम है रे। Stuck between a rock and a hard place. Do I work? हम्पी 1336 से 1565 तक विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। जब इसे छोड़ दिया गया था, यह एक किलेबंद शहर था। फारसी और यूरोपीय यात्रियों, विशेषकर पुर्तगालियों द्वारा छोड़े गए इतिहास में कहा गया है कि हम्पी तुंगभद्रा नदी के पास एक समृद्ध और भव्य शहर था, जिसमें कई मंदिर, खेत और व्यापारिक बाजार थे। 1500 ईस्वी तक हम्पी विजयनगर बीजिंग के बाद दुनिया का सबसे बड़ा शहर था और शायद उस समय भारत का सबसे अमीर शहर था, जो फारस और पुर्तगाल के व्यापारियों को आकर्षित करता था। विजयनगर साम्राज्य मुस्लिम सल्तनतों के गठबंधन से हार गया था। 1565 में सल्तनत सेनाओं ने इसकी राजधानी को जीत लिया, लूट लिया और नष्ट कर दिया, जिसके बाद हम्पी खंडहर बनकर रह गया। हम्पी के खंडहर 4100 हेक्टर 16 वर्ग मील में फैला हुआ है। इसे यूनेस्को द्वारा सौंदर्य भव्य स्थल के रूप में वर्णित किया गया है। दक्षिण भारत में अंतिम महान हिंदू साम्राज्य के 1600 के अधिक जीवित अवशेष, जिनमें किले, नदी किनारे की विशेषताएं, शाही और पवित्र परिसर, मंदिर, स्तंभ वाले हॉल, मंडप, स्मारक संरचनाएं, जल संरचनाएं और अन्य शामिल है। अभी तो मैं विरूपक्ष लेफ्ट में देख। स्टोन चैरेट म्यूजिकल प्लस तो ये है तुला बारा करने का किंग बैलेंस। ये हमारा हो गया है। कौन सा? ये विट्ठल मंदिर हो गया। हाँ विट्ठल मंदिर हो गया। तो अभी अभी अपन ये करेंगे विरूपक्षा और हाँ। इसके अंदर ही ये सब है ना? नहीं नहीं सर, इधर से बाहर जाने होता है पूरा ये। अच्छा, अभी तो एक ही है सर, ये विरूपक्ष टेम्पल एक ही देख सकते हैं अभी तुम। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में सबसे पुराना मंदिर है। तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए प्रमुख गंतव्य है और एक हिंदू पूजा स्थल बना हुआ है। तो यहाँ पर 2 रुपए में आप अपने शूज और चप्पल रख सकते हैं। सो गाइस, अभी विरूपाक्ष टेंपल में है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लक्ष्मी है जो सबको ब्लेसिंग्स देती है और सभी टूरिस्ट काफी अट्रैक्ट होते हैं उसके लिए। इसका विस्तार विजयनगर युग के दौरान किया गया था। लक्ष्मी का भी ब्रेक टाइम हो गया है।
तो जो अभी आपने देखा गाइस वो नरसिम्हा टेम्पल था, और इसके बाजू में ही एक बड़ा शिवलिंग है जो आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसका साइज काफ़ी बड़ा है और इंटरेस्टिंग है। अभी हम वो गणपति टेम्पल चले जाएंगे, गणपति एक्सप्लोर करते हैं। खंडहर हो चुके मंदिर के सामने एक लंबी बाजार वाली सड़क है, जिसे स्थानीय रूप में बाजार भी कहा जाता है। स्तंभयुक्त पत्थर की दुकान के खंडहरों के बीच एक चौड़ी सड़क है जो रथों के बाजार से सामान लाने और ले जाने की अनुमति देती थी और औपचारिक कार्यों और उत्सव समारोहों की मेजबानी करती थी। तो अभी हमने गणपति टेम्पल देखा, अभी हम कृष्णा टेम्पल जा रहे हैं। तो जैसा गणपति, विरूपाक्ष और ये नरसिम्हा, ये सारे अपने आसपास ही है टेम्पल। जाते जाते वो रानी का कुछ तो भी है, वो भी हमें देखना है। इस सड़क के उत्तर में एक और बाजार और मध्य में एक बड़ी पुष्करणी है, एक सार्वजनिक उपयोगिता वाली सीढ़ीदार पानी की टंकी, जिसके केंद्र में ये पुष्करणी और मंडप है। कृष्ण बाजार था। तो अभी हम कृष्ण मंदिर के पास आए हैं। ये रहा इसका प्रवेश द्वार। जैसे कि इस पर मेंशन है कि ये मंदिर बाल कृष्ण को समर्पित है, और इसमें अंदर शिलालेख भी है जो 1515 में कृष्ण देवराव उदयगिरी के लाए गए बाल कृष्ण की मूर्ति स्थापित है यहाँ पर, जो सरकारी संग्रहालय में है। मंदिर दीवारों से घिरा हुआ है। हेमकुटा पहाड़ी के दूसरी ओर कृष्ण मंदिर, जिसे बाल कृष्ण मंदिर भी कहा जाता है, विरूपाक्ष मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दक्षिण में है। यह 1515 ईसा पूर्व का शिलालेखों में हम्पी परिसर के हिस्से का कृष्णपुरा कहा गया है। ये कृष्ण टेम्पल था, और इसका सेम स्ट्रक्चर जो विठल टेम्पल है उसकी तरह, इस सेम उसका रचना जो है सेम विठल मंदिर की तरह ही है। अरे वो वीडियो कर रहा हूँ। वीडियो नहीं कर रहा मैं। तेरे को बहुत ही पसंद आएगा ना। अरे अटक गया है यार। अरे सुनना, अरे सोडा को पर बना दे। सोडा का ले लो, सोडा ले लो, सोडा तो अभी हम गोरेकल राइड में बैठे हैं।
बैलेंस है ना, बैलेंस है ना, कुछ नहीं रहे तो भी कोरेकल राइड में आए हम। एक क्रोकोडाइल वगैरह नहीं है ऐसा बैठना, लेट के बैठना कैची, ऐसा बैठना चलेगा फिर। ये हमारा संदेश मौर्या शादी के बाद उसको एंजॉय करने को शादी के बाद उसको एंजॉय करने नहीं मिल रहा है, इसके लिए तड़ी पार होके वो कर्नाटका भाग के आया है। यहीं कई केव्स में वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है और इन पानियों के बीच ज़िंदगी मिलेगी ना पापा। इसे कोरेकल राइड कहते हैं और ये जो कैमरा है वो वाटरप्रूफ है। पर 250 का प्राइस है 15 मिनट का बोट राइड के लिए और आधे घंटे के लिए। रेडी? हाँ। आधे घंटे का कितना प्राइस है? 500 रुपये का ऐसा कुछ प्राइजेस है। और यहाँ पर वो मेडिटेशन गुफा, लक्ष्मी गुफा और ये और कुछ गुफाएँ दिखाते हैं। ये कौन कौन सी गुफा दिखाते हैं उसमें? क्या बोल रहे संदेश का कुछ क्या? ये वाटर प्रूफ थोड़ा सा हल्का पानी लगा तो नहीं चलता, रिस्क मत ले। मेरा हाथ लगा दिया, मेरा फोटो गंदा हो गया, फोटो नहीं क्या है मैं बोलना बहुत रोता है कौन मैं ना सब महाराष्ट्र से ये तमिलनाडु से आसाम से बाप रे मिरेकल लगता है एकदम। चालू है ना सर? ये क्या है? रुकना जाना एक्टिंग कर दूंगा। एक्शन! क्या एक्टिंग करूँ? कुछ नहीं साइलेंट मतलब बकते हुए मजा एकदम ऐसे में ऊपर जा सकते अच्छा। सीढ़ी पहले से ऐसा था या अभी बना है? पुराना टाइम को नदी है ना क्या चुप रहे कैची। थैंक यू, वेरी नाइस। अरे रुको, चक्कर आने लगे चक्कर कभी भी नहीं। ये हो गया, वो हो गया, आंखें बंद कर। आंखें तू पानी में चुभा ना। ये क्या है भैया? तो सूर्यनारायण मंदिर है, संत सूर्यनारायण। और उसमें दान करते ना, दान होने के बाद राखे पूजा करते हैं। अभी पूजा के अजय थोड़ा इधर मुंडा कर लगा लाइव। ये यार पत्थर का भी कलर करो कैसा बदल बदल के आ रहा है संदेश। पहले इधर जब भी पानी भरते बारिश का टाइम पे पूरा भर जाते हैं
कलर अगर चेंज रहता है ना, ब्लैक कलर है ना वो पूरा पानी में रहता है, इसके लिए उसका कलर ऊपर अलग का अलग कलर है। इधर बारिश कितना महीना रहता है? तीन चार माह। तीन चार महीना मतलब जोरदार बारिश रहता है, उतना खाम में रहता है। डैम है ना? हाँ, डैम से रोज कर डैम का रोज क्यों खाते हैं ये लोग, इसके लिए खाते हैं डिप डिप डिप। कैसी कैमरा छुपा छुपा जल्दी, पानी देख रहे हो तेरे मुंह पे पानी, टेंशन मत ले रे, मैं वो ना खरीद के दूंगा नया घंटा। मैं तेरे को उसका फोटो वापस भेज दूंगा, बोलेगा मैं तेरे को जानता नहीं। कुछ नहीं होता रे, अब भी भेजेगा रे वो तेरे को फोटो उसका। बोले मेरा फोटो मकर के रख, दबा देगा नहीं कुछ आधा आधा हमारे हवेली में यहाँ पर सबसे बड़ा नंदी है, और ये पहाड़ी देखो। अभी हम अंजनद्री हिल के पास आए हैं, यहाँ पर ये बैक साइड में, और अभी जाते हैं ऊपर। More 500 to go. Yeah.
वाओ गाइस, क्या सुंदर नजारा दिख रहा है यहाँ पर। लगभग अभी हम एकदम क्लोज आ गए हैं टेंपल के ऊपर, थोड़ा सा बाकी है, तो देख सकते हैं कितनी बड़ी हाइट है। मेरे पीछे आप टेंपल बना रही बात देख सकते हैं। संदेश का गला फटा हुआ है, प्यास निकल रहा है उसके। अरे गाइस, जैसा ये टेंपल है, कहते हैं यहाँ पर हनुमान जी का जन्म हुआ था, तो टेंपल है, यहाँ पर भक्त लोग आते हैं और उसके आसपास का बहुत ही मस्त नज़ारा व्यू है। और ऐसे लेफ्ट साइड में उसके स्टेप्स जाते हैं, तो ऊपर जाने के बाद ऐसे बहुत सारे स्टोन्स हमें दिखेंगे। और ये सनसेट पॉइंट है।